दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर आप गूगल पे का यूज करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गूगल पे के अंदर एक ऐसा फीचर अपडेट किया गया है जिसको यूज करके आपको काफी मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब गूगल पे ने भी यूपीआई लाइट का फीचर लॉन्च कर दिया है। इससे पहले भीम यूपीआई, पेटीएम और फोन पे यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत कर चुके हैं। यूपीआई लाइट एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसे एनपीसीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है। यूपीआई लाइट एक तरह का डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपको पहले से मनी ऐड करके रखनी होती है। आप इसमें एक दिन में 2,000 रुपए दो बार ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप रोजाना 4,000 रुपए तक यूपीआई लाइट से यूज कर सकते हैं। यूपीआई लाइट की मदद से आप एक बार में 200 रुपए तक की ट्रांजेक्शन बिना यूपीआई पिन डाले कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। जिस समय आप यूपीआई लाइट में रुपए ऐड करेंगे बस उसी समय यूपीआई पिन डालना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यूपीआई लाइट के फायदे क्या हैं। आज के समय ज्यादातर सभी लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं। अभी आप हर एक छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई का यूज करते हैं, जैसे कि सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिलों का भुगतान करने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, ठेले पर गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज आदि के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं। आज यूपीआई हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। अब सवाल आता है कि अगर यूपीआई पहले से है तो फिर यूपीआई लाइट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब आप कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस समय पर सबसे पहले आपके बैंक को एक रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। कभी कभी बैंक सर्वर बिजी होता है या नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, जिसके कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब हम यूपीआई से छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं तो वो सभी ट्रांजेक्शन सीधे हमारे बैंक अकाउंट से होती हैं, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा छोटी छोटी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और आईटीआर भरते समय उनका मिलान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप जो यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें यूपीआई पिन डालकर ऑथेंटिकेट करना होता है, जबकि आप यूपीआई लाइट से बिना यूपीआई पिन डाले पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है और ना ही आपके बैंक को कोई रिक्वेस्ट जाती है। इसी वजह से पेमेंट बहुत ही फास्ट होती है, बिना किसी फेलियर के सिंगल क्लिक में पेमेंट हो जाता है बिना यूपीआई पिन डाले। और जरूरत पड़ने पर आप यूपीआई लाइट में रखे पैसों को किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन डाले। तो चलिए गूगल पे यूपीआई लाइट को एक्टिवेट और यूज करना सीख लेते हैं। यूपीआई लाइट के लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि इस वीडियो में हम गूगल पे की बात कर रहे हैं तो गूगल पे ऐप के अंदर ही यूपीआई लाइट का फीचर दिया होता है। जब आप गूगल पे ऐप को ओपन करोगे तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आपको प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट का एक फीचर नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसके द्वारा फास्ट पेमेंट कर सकते हैं बिना पिन के। आप बिना पिन डाले 200 रुपए तक पे कर सकते हैं। आप लर्न मोर पर क्लिक करके यूपीआई लाइट के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। यूपीआई लाइट को इनेबल करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट चूज करना है। आप जिस बैंक अकाउंट से यूपीआई लाइट में रुपए ऐड करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को चूज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसमें रुपए डालेंगे, आप जितने रुपए ऐड करना चाहते हैं इसमें उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि मैं 1,000 रुपए ऐड कर रहा हूं, मैंने इसमें 1,000 रुपए डाल दिए हैं। आप एक बार में अधिकतम 2,000 रुपए ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके कर देना है। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में रुपए ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट में 1,000 रुपए सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। और ये देखिए, अब यूपीआई लाइट एक्टिव हो गया है, यहाँ एक्टिव लिखा आ गया है। आप यूपीआई लाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सभी पेमेंट मेथड शो हो जाएंगे। जैसे कि अब इसमें एक और पेमेंट मेथड ऐड हो गया है, यूपीआई लाइट। आप इसके ऊपर क्लिक करके यूपीआई लाइट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी यूपीआई लाइट में 1,000 रुपए का बैलेंस है। और आप होम पेज पर जाकर देखोगे तो यहाँ भी यूपीआई लाइट का बैलेंस शो होने लगा है। चलिए अब जान लेते हैं यूपीआई लाइट से पेमेंट कैसे करेंगे। जिस तरह से आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं ठीक वैसे ही इसके द्वारा पेमेंट करना है। आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्यूआर कोड पर 100 रुपए का पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ स्कैन एनी क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा। अगर किसी ने पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप किया है या किसी और तरीके से आपके मोबाइल पर भेजा है तो आप यहाँ क्लिक करके गैलरी में से उस क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं।
या आप डायरेक्ट किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक QR कोड स्कैन कर रहा हूँ, जब आप किसी दुकान या ठेले पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह का QR कोड दिखाई देता है। सिंपली आपको पहले की तरह QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन होते ही यहाँ पेई का नाम और उसकी UPI ID शो हो जाएगी। इसमें रुपए डालेंगे, जैसे कि मैंने 100 रुपए डाले हैं। आप 200 या 200 रुपए से कम का कोई भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट UPI लाइट सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहें तो UPI लिंक बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 200 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी इसमें डालकर चेक करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें 201 रुपए डाले हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक UPI बैंक सेलेक्ट हो गया है और UPI लाइट हाइड हो गया है, क्योंकि UPI लाइट से एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट हो सकता है। मैं आपको 100 रुपए ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ फिर से 100 रुपए डाल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ फिर से UPI लाइट सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर UPI लाइट का बैलेंस भी दिखाता है, जैसे कि मेरे UPI लाइट में 1000 रुपए का बैलेंस है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। हमसे कोई UPI पिन नहीं मांगा गया, बिना UPI पिन डाले पेमेंट हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि UPI लाइट से पेमेंट करना सिक्योर नहीं है। ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। इसी तरह से आप किसी भी मोबाइल नंबर पर रुपए भेज सकते हैं। यहाँ पे फोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके नीचे पेई का नाम और मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करेंगे। अब पे के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें रुपए डालेंगे, जैसे कि मैंने 100 रुपए डाले हैं, तो यहाँ UPI लाइट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। पे बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पेमेंट हो जाएगा। आप बाद में कभी भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना चाहेंगे, आपको होम पेज पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सभी ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने 1000 रुपए UPI लाइट में ऐड किए थे और 2 बार 100-100 रुपए UPI लाइट से पे किए हैं। ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी फुल डिटेल शो हो जाएगी। ये पेमेंट मैंने UPI लाइट से की है। अगर आप बाद में कभी भी UPI लाइट का बैलेंस देखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको होम पेज पर जाना है और यहाँ UPI लाइट के सामने बैलेंस हो जाएगा, या आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करोगे, इसके बाद UPI लाइट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ फिर से UPI लाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर UPI लाइट का बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि UPI लाइट बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊपर यहाँ 3 डॉट्स दिए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिलीट UPI लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप UPI लाइट डिलीट करना चाहते हैं। जैसे ही आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा बिना किसी चार्जेस के, और आपका UPI लाइट डिलीट हो जाएगा। इसे आप फिर से किसी भी समय एक्टिवेट कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप गूगल पे UPI लाइट का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।